हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। अगर आप अपने घर में मार्बल फ्लोरिंग कराना चाहते हैं, मान लीजिए आपका एक रूम है जिसका साइज़ है 10x10, उसमें अगर आप मार्बल फ्लोरिंग कराना चाहते हैं तो आपका उसमें कितना खर्चा आएगा, इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा। और साथ ही साथ उसमें आपका कितना मटेरियल लगेगा, ये भी मैं आपको उसमें पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपका साइज़ जो है रूम का बहुत 10x10 का है, तो यानी कि आपका जो बन गया 10x10=100 square feet। तो 100 square feet के लिए आपका जो मार्बल आएंगे, मार्बल का अगर आप रेट देखते हैं मार्केट में, तो आपको जो है 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसका एवरेज साइज़ पकड़ें जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली लगवाती है, तो होता है 60 रुपये। तो अगर हम 60 रुपये square feet मार्बल देखते हैं, तो आपका जो एरिया है रूम का वो 100 है, तो 60x100=6000 रुपये। तो यहाँ पर 6000 रुपये के आपके मार्बल आ जाएंगे। उसके बाद जो आपका लेबर होएगा जिसको फिक्स करेगा, वो आपसे ले लेगा 25 रुपये स्क्वायर फीट। दोस्तों 25 रुपये में वो आपको फिक्स करके देगा, और साथ ही साथ जो उसके ऊपर घिसाई होती है वो भी करके देगा। तो आपका एरिया जो है 100 स्क्वायर फीट है, तो 25x100=2500 रुपये। तो यहाँ पर 2500 रुपये आपका लेबर उसको फिक्स करने के ले लेगा। अब देखते हैं उसमें आपका जो मटेरियल लगता है, सीमेंट, सैंड वगैरह और व्हाइट सीमेंट जो लगती है वो कितनी कितनी लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सीमेंट। तो हमारा एक रूम में लगभग जो है 4 बैग सीमेंट के लग जाते हैं। अगर आप उसके मार्केट में रेट देखेंगे सीमेंट के समय, तो लगभग आपके 400 रुपये पर बैग आपको मिलता है। तो यहाँ पे 4 बैग हैं, तो 400x4=1600 रुपये। तो 1600 की आपकी सीमेंट इसमें लग जाएगी। उसके बाद मोरंग। दोस्तों हमारा जो मसाला नीचे लगता है वो सीमेंट और मोरंग का लगता है। तो मोरंग आपको देखेंगे लगभग, जैसे हम लोग सैंड कहते हैं, वो लगभग आपकी 6 क्विंटल लग जाएगी एक रूम में। तो इसकी कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी 135 रुपये क्विंटल मार्केट में। तो हमारे यहाँ 6 क्विंटल है, तो 6x135=810 रुपये। तो 810 रुपये की आपकी यहाँ पर सैंड, या आप कह सकते हैं मोरंग, लग जाएगी। उसके बाद हमारी आती है व्हाइट सीमेंट। दोस्तों व्हाइट सीमेंट हम लोग की जब फ्लोरिंग हो जाती है, तो थोड़ा बहुत जब हमारा गैप होता है उसे फिल करने के लिए हमें व्हाइट सीमेंट चाहिए होती है। तो व्हाइट सीमेंट अगर आप देखेंगे, तो आपकी लगभग 5 किलो आपकी व्हाइट सीमेंट लग जाएगी। दोस्तों आप इसकी जो पूरा बैग होता है वो ना खरीदें, वो आपको महंगा पड़ेगा। आपको जो खुली भी मिल जाती है मार्केट में, तो आप इसे 5 किलो ले लीजिए अगर आप एक रूम के लिए इसे ले रहे हैं तो। और आपको ये 150 से लेकर 200 रुपये तक मिल जाएगी। तो 5 किलो की अगर हम 200 रुपये देखें, तो आपको 200 रुपये की आपकी ये फिर व्हाइट सीमेंट लग जाएगी। उसके बाद जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं, ये यानी कि आप जो देख रहे हैं बॉर्डर्स, ये लगते हैं हमारे ग्रेनाइट के। अगर आप बॉर्डर लगवाते हैं 2 इंची के, तो आपके जो दीवार से 1-1 फीट हटके लगेंगे। अगर आप इसकी टोटल लेंथ निकाल लें, तो लगभग आपके 40 रनिंग फीट आपकी बॉर्डर आपके ग्रेनाइट लग जाएंगे। तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपको मार्केट में मिलेगी 20 रुपये रनिंग फीट। अगर आप 40 रनिंग फीट लेते हैं, तो 20x40 यानी कि 800 रुपये के आपके जो ग्रेनाइट बॉर्डर आपके मिल जाएंगे। अब इसके जो चार्ज पड़ेंगे, जो आपका लेबर इसका फिटिंग करेगा, वो आपसे 1800 रुपये लेगा 25 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से। तो आपकी मान लीजिए अगर 40 रनिंग फीट लगते हैं, तो 25x40 यानी कि 1000 रुपये। तो 1000 रुपये के आपके यहाँ पर चार्ज मिस्त्री आपसे ले लेगा। टोटल देखते हैं हम लोग यहाँ पर 800+1000 यानी कि 1800 रुपये आपके ग्रेनाइट बॉर्डर में खर्च हो जाएंगे। तो इन सब को जब हम टोटल करते हैं, तो हम देखते हैं हमारा जो खर्चा आता है एक रूम में मार्बल फ्लोरिंग का, वो आता है हमारा 12,910 रुपये, यानी कि कह सकते हैं 13,000 रुपये। तो अगर आपका 10x10 का रूम है, उसमें अगर आप मार्बल फ्लोरिंग करवा रहे हैं, तो आपका लगभग 13,000 रुपये खर्चा इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या कोई सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।